आज जहां राधिका ने रानी और माधव का वीडियो को सही सलामत गुंडे से तो बचा चुकी है और अब उस वीडियो को पूरी तरह से साफ करवा के आज वो अपने पास तो मंगवा चुकी है और वही अब आगे आने वाला ट्रैक में अब राधिका उस वीडियो को सारे घर वालों को दिखा तो देती हैं जिसमें रानी माधव को पैसे दे रही है। मगर जब दिव्यम रानी से सवाल पूछता है कि जब तुम्हारी शादी उस माधव से नहीं होने वाला था तो तूने मेरे साथ इतना बड़ा ड्रामा क्यों किया, लेकिन रानी दिव्यम के किए हुए सवाल को एक बार मुड़कर जवाब नहीं देती है, जिससे दिव्यम रानी के ऊपर काफी गुस्सा तो हो जाता है। मगर सुजाता रानी की बचाने की वहाँ पर अपनी पूरी कोशिश तो करती है, लेकिन दिव्यम सुजाता की बात को थोड़ा सा भी नहीं सुनता है। इसलिए दिव्यम आगे आने वाला ट्रैक में हो सकता है कि कहीं रानी के खिलाफ एक बहुत बड़ा फैसला ना ले ले और उसे बंसल परिवार से बाहर ना जाना पड़ जाए। लेकिन यहाँ पर ये देखना काफी दिलचस्पी होगा कि सुजाता यहाँ पर रानी की सपोर्ट करती है या नहीं, क्योंकि सुजाता यहाँ पर तो गोलमुखी के निकालने के चक्कर में पड़ी थी, मगर राधिका ने ही उस रानी का सच्चाई सबके सामने कर खड़ा कर दिया है। लेकिन आगे के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए मन अति सुंदर का पूरा भाग दंगल टीवी पर।